वैली ऑनलाइन की खबर का असर, कस्टमर छतरपुर रोड पर बिछाए गए मटेरियल को वापस उठाया गया। अवामी हलकों ने किया वैली ऑनलाइन का शुक्रिया, कहा कि अब जारी काम से मुताबिक है। इत्तलात के मुताबिक चंद रोज कबल वैली ऑनलाइन ने छतरपुर के लोगों की रुदाद इंतजाम तक पहुँचाई। इस खबर को काफी एहतमाम से शाया किया। खबर की इशात के बाद ही इंतजामिया हरकत में आई और कई जगहों पर बिछाए गए जेएसबी को वापस उठाया गया जो नाकिस बताया जा रहा था। वजह रहे कि छतरपुर कंगन राब्ता सड़क की मरम्मत का काम हाल ही में शुरू किया गया, तम शुरुआत पर ही मुकाबी लोगों ने जेएसबी की जगह बड़े पत्थर वगैरह इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया, जिसके बाद महकमे के आला अफसरान ने इसका नोटिस लिया और इन जगहों पर नए से जेएसबी डाल दी, जिस पर मुकामी लोगों ने वैली ऑनलाइन की टीम और महकमे के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में गड्ढे भरने के लिए बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे थे, तमाम खबर शाया होने के बाद ही उन्हें उठाया गया और अब इनमें जेएसबी डाली जा रही है। इधर महकमे के अफसरान ने कहा कि महकमे की तरफ से कई टीमें इस जारी काम पर नजर रखे हुए हैं और इस पर इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल का भी जांच हो रहा है। वहीं एडब्ल्यू पीएमजीएसवाई सब डिवीजन कंगन ने वैली ऑनलाइन को बताया कि वो अपनी टीमों के हमरा इस रोड पर कई दौरे करते हैं ताकि काम साफो शफाफ रहे। उन्होंने कहा क्वालिटी और मॉनिटरिंग के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और मुकामी लोग भी अपनी शिकायत अफसरान तक पहुंचा सकते हैं। पेशे पहली ऑनलाइन की ये खसूसी रिपोर्ट। हाँ, कुछ जीएसपी इन्होंने डाली थी तो उसमें ज़्यादा मिट्टी थी तो हमने उठवा दी वहाँ से, वो ख़त्म करवा के अब अल्लाह के फजल से रोड अच्छी बन रही है। क्योंकि हमने लोगों से भी पूछा, जहाँ के बाशिंदे जो थे उनसे भी पूछा, तो उन्होंने सब इस चीज़ पे मुतफिक हो गए कि रोड अच्छी बन रही है। तो हमने भी देखा, आप भी देख रहे हो, तो हमारे ये जो अमला है जैसे एडब्ल्यू है जेई है अच्छा काम कर रहे हैं तो हम खुश हैं। ये सब इसके अलावा एक ऐसा मसला है, यहाँ कोई भी रोड बने तो जब तक ना उसका साइड ठीक हो तब तक वो रोड कामयाब नहीं रहती। तो ड्रेन सबसे बड़ा मसला है, रोड के साथ ड्रेन किसी भी सूरत में होनी चाहिए और हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ ड्रेन होनी चाहिए। मैं खास करके चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसका ड्रेन का जल्द अज जल्द करें। सबसे पहला मैं वैली ऑनलाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। पहले था जब इन्होंने जीएसबी शुरुआत की थी वहाँ पे थोड़ा वो बॉर्डर वगैरह थे, बड़े बॉर्डर थे और मिट्टी वगैरह उसमें थे जो जीएसबी डाला था, तो उस पर हमने जो एक्शन किए और इनसे बात भी की है एडब्ल्यू साहब से, जेई साहब से, एई साहब से, और आज मैं दो दिन से कल और आज इनके साथ साथ रहा। आज जो मैग्नमिनेशन हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है और जो जेई साहब और एई साहब है अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो दो दिन में हो रहा है बिल्कुल अच्छा, इसमें लोग भी मुतमईन हैं। और इससे अलावा मैं चीफ इंजीनियर साहब से और एक्जन साहब से गुजारिश करता हूँ, जो पीएमजी का है गुजारिश करता हूँ, यहाँ सबसे ज़रूरी इतना आपने किया इस रोड के लिए, इतना आवाम के लिए, आज सबसे ज़रूरी इसमें ड्रेन है तब ये रोड ठीक रह सकता है। अगर 1,15,00,000 का ये रोड बना, इसके साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ और आप फंडस डालिए इस पर जिससे ड्रेन कंप्लीट होगा। हाँ, पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको इस रोड के बारे में, बेसिकली रोड क्या है। हमारा ये कस्टमर टू छतरपुर रोड 8.5 किलोमीटर का था, इसमें से हमारा 6.2 किलोमीटर का पहले 4 क्लोज हुआ था और जो बाकी बचे हैं 2.3 किलोमीटर, उसमें अभी जो ऊपर वाले 2.3 किलोमीटर मेंटेनेंस पीरियड अभी चल रहा है। अब क्या है, लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी कि रोड दिन ब दिन डिटेरियरेट हो रहा है तो इसके लिए इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। तो हमने क्या किया था, हमने बेसिकली जो हमारे ये 6.2 किलोमीटर है इन ये रोड हमारा कम्प्लीट हुआ था 2014 में, तो उसका डीएलपी पे हमारा ओवर हुआ था 2019 में। तो हमने अब जो जिन रोड का डीएलपी ओवर हुआ था उनके लिए हमें स्पेशल कुछ फंड्स आए थे फॉर रेस्टोरेशन एंड रिन्यूअल कोड के लिए। लेकिन जो इस रोड की कंडीशन थी, हमने बोला था जो रिन्यूअल कोड है उसमें खाली एचडीबीसी हो रहा था, तो हमने बोला जो रोड के जो मेजर ये पॉट होल्स है और मेजर पैच्स है उनमें से हमें बीएमबी चाहिए, बिटुमिनस मैग्नम भी, क्योंकि अगर हम खाली एचडीबीसी करते शायद वो ठीक नहीं रहता। तो फिर स्पेशली उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़े बहुत फंड्स आए, तो हमारा जो एचडीबीसी इन 6.2 किलोमीटर्स में है वो 4.8 किलोमीटर्स में करना है
और जो हमारा मैगडम है, मैगडम की क्वांटिटीज इन पैच और स्प्रेड 2 किलोमीटर होगी, और जो WMM है वेट मिक्स मैगडम, वो भी हमारा इन पैच और स्ट्रेच 2 किलोमीटर में होगी। रिगार्डिंग GSB के बारे में थोड़ी बहुत लोग उसकी ग्रीवेंस थी कि कुछ ओवर साइज बोल्डर्स डाले जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने साइट पर गए थे, साइट पर देखा था। बेसिकली क्या होता है, GSB हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम रिवर, नाला से निकालते हैं, तो उसकी सॉर्टिंग हम उधर नहीं कर पाते। फिर जब वंस मटेरियल डंप होता है साइट पर, फिर हम देखते हैं जो ज्यादा ओवर साइज ये होता है GSB, उसको निकाल कर सॉर्टिंग करके फिर जाके हम ले करते हैं। और क्या कुछ हमारे पैच ऐसे भी थे वहां जहां ना जो पॉट होल्स थे बहुत ज्यादा बड़े बन गए थे, वो खड़े जो बहुत ज्यादा बड़े थे, उसमें से कुछ एक जगह हमने नीचे GSB के नीचे कुछ बड़े बोर्डर्स डाले थे, उसके ऊपर फिर लेवल किया था हमने GSB के साथ। रही बात ग्रीन काम का, काम एज पर स्पेसिफिकेशंस, एज पर गाइडलाइंस, एज पर नॉर्म्स किया जा रहा है। साइट पर भी हमारे जेई हजरात होते हैं, एक के बजाय 2 होते हैं, एटम्स 3 जेईज भी होते हैं। प्लांट पर हमने अपने जेई रखा है, वो देखता है विटामिन कंटेंट एज पर हमारा अलॉटमेंट जा रहा है, एज पर स्पेसिफिकेशन डाले जा रहा है, ग्रेडेशन ठीक हो रही है। क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हमने बाजाबता अपना टीम बनाया और काम एज पर स्पेसिफिकेशन में हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं कि काम खराब हो रहा है। काम आप हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप इत्मीनान से रहे, काम ठीक हो रहा है।